मदीना जाओ कैसे दूरियां आवाज देती हैं, नहीं है मालो सर मजबूरियां आवाज देती हैं। उलमा इकराम तवज्जो फरमाए, मदीना जाओ कैसे दूरियां आवाज देती हैं, नहीं है मालो सर मजबूरियां आवाज देती हैं, नहीं है मालो सर मजबूरियां आवाज देती हैं। और खुदा के नूर को तुम अपनी तरह कह नहीं सकते, खुदा के नूर को तुम अपनी तरह कह नहीं सकते, मेरे जिस्म की परछाइयां आवाज देती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, परछाइयां आवाज देती हैं, मेरे जिस्म की परछाइयां आवाज देती हैं। हजरत हम और आप अभी कलामुल इमाम इमामुल कलाम समाप्त कर रहे थे। एक शायर जब नबी की शान में शायरी करता है तो वो बिल्कुल नबी की मोहब्बत में डूब कर शायरी करता है, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर शायरी करता है। अगर आप शायरी के लिखने को समझना चाहते हैं, लिखने को जानना चाहते हैं, तो शायर आजम आलम इस्लाम जनाब नौशाद साहब क़िबला मिसबाही से आप सुन सकते हैं कि जब नात के अशआर को लिखे जाते हैं तो एक शायर के दिल की कैफियत क्या होती है, उस कैफियत को एक शायर ने कहा है, ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, ये भी कोई जीने में जीना है मेरे रसूल, देखो ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, और अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, अश्कों की रोशनाई से रूए हयात पर, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। वाह सुभान अल्लाह, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल, कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। और हजरत ये चार मिसरे राजापुर के तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों के नाम, इसलिए कि राजापुर के तमाम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान मिलकर रजाउल उलूम को चला रहे हैं। जब कोई बदअकीदा बदअकीदगी को फैलाना चाहता है तो राजापुर का सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान क्या कहता है, इन चार मिसरों के जरिए से आप समाप्त करें कि जितने डॉलर पे बिकते हैं, जितने डॉलर पे बिकते हैं ये दीन फरोश, जितने डॉलर पे बिकते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नबी के नाम पर लुटा देते हैं। जितने डॉलर पे बिकते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नबी के नाम पर लुटा देते हैं। जहां भर में छपती है नजदी की किताबें जितनी, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं, उतना हम 10 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। हजरात अब हमारे और आपके सामने शायरे आजमे आलमे इस्लाम, शायरे इस्लाम जनाबे नौशाद साहब क़िबला मिसबाही रौनक अफरोज हैं। बिला ताखीर किए, बगैर किसी ताखीर के मैं हजरत की बारगाह में अरीजा पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी में कोयल की कुक, बुलबुल की चहक, फूलों की महक, आबशारों का तरन्नुम, सारा कुछ मौजूद है। जिनका कलाम निराला, जिनकी शायरी निराली, जिनका अंदाज निराला, जो आज पूरे छपरा के नाम को पूरे हिंदुस्तान में रोशन करने का काम कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ सिक्के राइजुल वक्त की तरह चलने वाले शायर का नाम शायर इस्लाम जनाब नौशाद मिसबाही। तो आइए हम हजरत का खैर मकदम वेलकम स्वागतम कर लें नारहे तकबीर व रिसालत के गोज में, इसलिए कि किसी ने कहा तकबीर के नारों से हम दुनिया को हिला देंगे, वाह तकबीर के नारों से हम दुनिया को हिला देंगे, और जहां वालों ने अगर छेड़ा मुझे तो फिर 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे, फिर 1400 बरस पहला कोहराम मचा देंगे। इस सोच के साथ राजापुर के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर नारहाए तकबीर व रिसालत के गोज में अपनी सदाओं को बुलंद करें, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाबे नौशाद मिसबाही जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाबे नौशाद मिसबाही जिंदाबाद। अच्छे बुरे की खबर तुम को दे के जाऊंगा, चेहरे को बदलने वाली नजर दे के जाऊंगा, यारो मैं इस जमाने का वह संग तराश हूं, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। सुभान।